साइड आ रहे हो तो यहाँ से जो है लेफ्ट टर्न लेने का है, सीधे नहीं चले जाना है, क्योंकि हम लोग अभी क्या सीधे चले गए थे और 5-6 किलोमीटर गूगल मैप्स के हिसाब से आप जाओगे तो धोखा खा जाओगे, इसीलिए जो लेफ्ट टर्न लेने का, यहाँ बोर्ड दिख जाएगा आपको क्लियरली, सो टेक द लेफ्ट टर्न। सो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज़ गौरव यार एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो अभी हम लोग आए हैं पाटा डूंगरी, जो दाहोद से है 21 किलोमीटर दूर, और आज संडे का टाइम है और अभी बज रहे हैं 3 बजे। ये जो है पाटा डूंगरी का बाहर से पूरा व्यू है, ये गेट है, आप उधर से अंदर जा सकते हैं। ऐसा लगेगा कि बंदे पड़ो, साइड में थोड़ा सा रास्ता है, थोड़ा सा ही खोल के रखते हैं कि कार वार नहीं अंदर पब्लिक लेके चले जाए। अभी अंदर जाके पूरा पाटा डूंगरी देखते हैं, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, सो मैं आपको मेरा व्यू बताऊँगा और आप भी ये व्लॉग देख के एंड तक ज़रूर बने रहें। देखना भाई, ये इसका तो पानी आता है अपने, ये नर्मदा डैम का ही है ना भाई, ये भाई कडाना, कडाना का, ये कडाना थोड़ी, पता नहीं कहाँ, ये कडाना थोड़ी, जो भी है, पानी आना चाहिए बस। तो ये जो अंदर का एरिया है पाटा डूंगरी का, यार सही में बहुत सही है, यहाँ से जो पूरा पानी की कैनल दिख रही है, डैम का पूरा जो एरिया यहाँ से दिख रहा है। और अभी मैं आपको नीचे जाके पूरी जो यहाँ का व्यू है और थोड़ा डिटेल से वो मैं आपको बताता हूँ। पाटा डूंगरी इरिगेशन प्रोजेक्ट, और इसका जो रूट है वो आपको वीडियो में देखने मिला है। और अभी यहाँ से हम लोग नीचे जा रहे हैं, ये जो है ठक्कर बापा सरोवर है, यहाँ भी थोड़ा भाई लोग का फ़ोटो शूट चल रहा है, अभी अपने भी थोड़ा क्लिक कराएंगे और आपको जितने भी ये फ़ोटोज़ है ये इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, यहाँ नीचे आपको उसका आईडी दिख जाएगा। सो दिस इज़ माय न्यू शेड्स, चले नीचे। ये जो व्यू है यहाँ से पूरा पाटा डूंगरी का दिख जाएगा, और यहाँ से ये जस्ट सामने है बाबा देव का मंदिर, उधर साइड वहाँ साइड, अभी वहाँ नीचे जाते हैं तो पूरा आपको बता दूँ मैं व्यू। यार बाकी बहुत ज़्यादा है इधर का, सही है, आप लोग को भी इधर आना चाहिए ज़रूर यार, सही में। अभी क्या ठंडी का टाइम चल रहा है बट गर्मी भी है, और जो ग्रीनरी है वो बहुत ज़्यादा सही है। ये जो रिस्क लेके फोटो खींचा सकते हैं। अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं, ये पूरा पाटा डूंगरी का व्यू है, कोई भी छांव वाला एरिया नहीं है, पूरा सामने से सनलाइट। और आप पाटा डूंगरी आओगे तो जैसे कि इधर घूमने लायक तो बस ये डैम है, और वो सामने जो है बाबा देव का मंदिर है, और यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, यहाँ एक कुंड भी है आगे, बट उधर डिटेल पता नहीं हम लोग को, इसलिए उधर साइड नहीं जाएंगे, यहाँ नीचे जाके फ़ोटो शूटिंग ये सब। बट जो यहाँ का जो रोड है, यहाँ जो दाहोद से आते हैं हम लोग, तो वहाँ का जो दाहोद से जैसे आप आएंगे तो उधर जो रोड का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, सो उधर आप फ़ोटो शूटिंग कर सकते हो बहुत सही तरीके से। और जितने भी हम लोग जो फ़ोटो शूट कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम हैंडल पे होगा, यहाँ लिंक है, नीचे लिंक है और नीचे आईडी भी है, सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो पाटा डूंगरी में बस इतना ही है, और अभी हम लोग वापस दाहोद जाने के लिए रवाना हो रहे हैं, और देखते हैं अब बाबा देव के मंदिर पर जाना है कि नहीं जाना है, कि जो यहाँ से वाटर सप्लाई होता है, और सामने जो बाबा देव का मंदिर है, और
ऐसा बोलते हैं कि गुजरात की जो फर्स्ट सनलाइट होती है, जैसे मॉर्निंग की जो पहली किरण जो बाबा देव के मंदिर पे फर्स्ट पड़ती है, बट ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ये वाले बाबा देव मंदिर है कि दूसरे वाले बाबा देव मंदिर। संडे के दिन आप आओगे तो बहुत सही है, क्या एक दिन के लिए आना हो, और ज़्यादा दाहोद से दूर भी नहीं है, ऑलमोस्ट 20-21 किलोमीटर है, और रोड भी बहुत अच्छा है। सो अब हम लोग वापस जा रहे हैं दाऊद के लिए। जयराम जी, जयराम जयराम, जय श्री राम, जय श्री राम, भाड़ लेंगे हाँ, भाड़ो फोटो भाई चल ले, पैसे ऐसे मांग कर चल ले, हाँ हाँ हम जी क्यों फोटोग्राफी भाई वहाँ भी चालू होगी। मस्त आ भी रहो, बाहर है बाहर, उसको तो रोक लो व्हाट्सएप पे भाई भेज देना। ये वाला शेड मुझ पे थोड़ा ज़्यादा सूट करता है। अभी क्या है, 4 बज चुके हैं, सो थोड़ा मौसम अब ठंडा हो रहा है, और ये जो मेंटेन बहुत अच्छा करके रखा है जो काली डैम वाला है, काली डैम जो डैम है वो छोटा डैम है, और ये जो पाटा डूंगरी डैम है ये उससे बड़ा डैम है। ये इसका जो वाटर सप्लाई एरिया है वो काली डैम से ज़्यादा है, इसके वजह से ये थोड़ा ज़्यादा चर्चे में रहता है। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। Thanks for watching. Love you all.